होने देंगे इसको, महागठबंधन के लोग। और जिस तरीके से भाजपा को जातीय जनगणना से भी झटका लगा, और ये जो मसला हुआ राहुल गांधी जी वाला, जो आदमी जिसको घर से बाहर करता है, बेदखल करता है, घर से निकालता है, जिसका घोंसला तोड़ता है, एक दिन उसका घोंसला टूट जाता है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने को लेकर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को बधाई दी, लेकिन अब बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी से जुड़े मामले को लेकर कहा उन्होंने कि अभी जो लोग घोंसले से बेदखल कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में जो हम लोग जो हैं वो उनको बेदखल करने का काम करेंगे घर से। ये बात तेज प्रताप यादव इसलिए उन्होंने कहा कि जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता उन्होंने जानबूझकर खत्म करवाई, और उसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और यह देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का यह देश है, और जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के घोंसले को तोड़ने का काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में 2024-25 में हम लोग जो है वो उनको घर से बेदखल करने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड चलिए चलिए सर, राहुल राहुल गांधी को राहत मिलनी है और संसद में बहाल होनी है। क्या प्रताप जी क्या कहिएगा? राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट आके बोल तो रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना। अरे आपके जवाब क्या सवाल कर रहे हैं आप बताइए, सवाल कीजिए सवाल। राहुल गांधी की संसद कोई एक बोलिए ना कोई। राहुल गांधी दोबारा संसद सदस्य में पहुंच गए हैं, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं बीजेपी के लिए आप? देखिए ये जो बीजेपी वाले जो लोग कर रहे थे, अब बीजेपी वाले लोगों को और आरएसएस के लोगों को मेन है कि ये आरएसएस का एजेंडा रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आरएसएस का एक ही मकसद है कि पूरे देश को हिंदू में तब्दील कर दिया जाए, तो ये नामुमकिन है। ये जो देश है ये एकता का देश है, भाईचारा का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये उसका देश है। लेकिन ये चाहती है कि पूरे तरीके से लड़वाना और देश को बर्बाद करना और दो टुकड़ों में बांटना, तो ये नामुमकिन है ना, हम लोग होने देंगे इसको महागठबंधन के लोग। और जिस तरीके से भाजपा को जातीय जनगणना से भी झटका लगा, और ये जो मसला हुआ राहुल गांधी जी वाला, जो आदमी जिसको घर से बाहर करता है, बेदखल करता है, घर से निकालता है, जिसका घोंसला तोड़ता है, एक दिन उसका घोंसला टूट जाता है, तो ये पूरे तरीके से भाजपाइयों को पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब है कि किस तरीके से किसी का घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी के भी घर को नहीं उजाड़ना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। तो आज वो हमारा हम लोगों का महागठबंधन का घर को उजाड़ने का काम किए हैं, 24-25 में उनका घर उजड़ जाएगा।